नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लूज पीस पैटर्न के बारे में। जब कास्टिंग या पार्ट की शेप इस तरह की हो कि सिंगल पीस या स्प्लिट पैटर्न को मोल्डिंग सेंट से आसानी से रिमूव ना किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में लूज पीस पैटर्न का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हम कह सकते हैं कि जब पैटर्न के पार्ट ओवरहैंग होते हैं तो पैटर्न को रिमूव करना आसान नहीं होता, तो इसीलिए ओवरहैंग पार्ट को मेन पैटर्न के साथ एक लूज पीस की तरह अटैच करते हैं डोवल पिन या वायर की मदद से। जैसा ये डायग्राम आप देखें, ये मेन पैटर्न है और इसके साथ ये नीले रंग के अलग से दो लूज पीसेस लगा दिए गए हैं। और इस डायग्राम को देखें, जैसे ये मेन कास्टिंग जो हमें तैयार करनी है, इसका ये अलग से ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्ट है, एक प्रोजेक्शन कह सकते हैं। तो जब पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न देखें, ये एक स्प्लिट पैटर्न है जिसमें बॉटम पार्ट पर क्या है कि अलग से लूज पीसेस को लगा दिया गया है। जब इस पैटर्न को मोल्डिंग सैंड में रखते हैं और मेन पैटर्न को रिमूव करने के बाद ये जो लूज पीसेज आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये ड्रैग पार्ट है मोल्डिंग बॉक्स का, इसमें ये बॉटम पार्ट आपको नज़र आ रहा है। तो जब इस लूज पीस को हम रिमूव कर लेते हैं तो इस तरह से हमें मोल्ड कैविटी नज़र आती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें कि ये कास्टिंग है जिसे हमें तैयार करना है, इसके लिए पैटर्न बनाया गया है, ये मेन पैटर्न है और ये लूज पीसीज हैं जिसको हम अटैच करते हैं डोवल पिन या वायर की मदद से मेन पैटर्न के साथ। तो जब इसको हम मोल्डिंग सैंड में डाल देते हैं तो जो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मेन पैटर्न है इसको रिमूव किया जाता है, और मेन पैटर्न को रिमूव करने के बाद जो मोल्ड कैविटी बनती है उसके माध्यम से फिर हम लूज पीस को रिमूव कर लेते हैं अलग से। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जो मेन पैटर्न होता है, लूज पीस उसका ही इंटीग्रल पार्ट भी होता है। तो इस तरह से लूज पीस पैटर्न की कंस्ट्रक्शन होती है। तो अब बात करते हैं कि जो लूज पीस पैटर्न है, ये एक हाईली स्किल्ड जॉब है। इसको करने के लिए आपको एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, जिसके कारण आपकी लेबर भी ज़्यादा लगेगी और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, और ये इस प्रकार एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाती है। और लूज पीस पैटर्न जब हम प्रयोग करते हैं तो मोल्ड मेकिंग के दौरान थोड़ी बहुत शिफ्टिंग भी हो जाती है। कॉम्प्लेक्स शेप की सैंड कास्टिंग बनाने में लूज पीस पैटर्न हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें कि लूज पीस पैटर्न की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, जब पैटर्न पर प्रोजेक्शन या हैंगिंग पार्ट हो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रोटर हब को बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक एक्सल पिन, ये फ्रंट एक्सल पिन है, तो इनको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की लूज पीस पैटर्न के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।